बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा मैसेज मोदी के लिए है और तमाम इंडियन हिंदूज़ के लिए है कि उनको बताया जाए कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ ISI। इंडियन मीडिया और इंडियन हिंदू लोग अक्सर, और इंडिया के जो एक दो मेजर आ रही हैं और जो अजीत डोवाल साहब हैं, वो अक्सर चैलेंज करते हैं पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज करते हैं। आज उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ ISI। ये बेटा मोदी और उसके कुत्ते फॉलोअर्स, बुजदिल आर्मी, ये होती है पावर ऑफ ISI। किस तरह तुम ISI सामने भी नहीं आई, पाकिस्तान सामने भी नहीं आई, किस तरह चाइना के ज़रिए तुम्हें चपेड़ों पर चपेड़ें पड़ रही हैं। अभी तो ये आगाज़ हुआ है, अभी तो मारखोर ने अपना आगाज़ किया है। अब आगे आगे देखो, इंडियन मोदी कुत्ते और हिंदू बुजदिल लोगों, तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ ISI। अभी हमने सिर्फ आगाज़ किया है। तुम लोग बुजदिल हो और सिर्फ कश्मीर के मासूम लोगों पर जुल्म करते हो। ये देखो, ये है पावर ऑफ ISI, किस तरह तुम्हारे बंदे लटा दिए, बकरों की तरह काट के ज़िबा करके लटा दिए। ये तो अभी तुम लोग कम दिखा रहे हो, अभी तुम लोगों को पता चलेगा कि आगे आगे तुम लोगों के साथ क्या होता है। तुम लोग बुजदिल सारे इकट्ठे होकर औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर जुल्म करते हो कश्मीर में, और इंडिया में तुम लोगों ने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। तुम इंतहाई घटिया बुजदिल कौम, अब आगे आगे देखो तो हमारे साथ क्या होगा। चाइना तुम्हें घुस के अंदर मारेगा, इसको बोलते हैं घुस के अंदर मारना। चाइना के 2500 सोल्जर इस वक्त तुम्हारे अंदर घुसे पड़े हैं और तुम्हें मार रहे हैं, और तुम लोग आगे से भीख मांग रहे हो बैनर लगा के, प्लीज़ गो बैक, प्लीज़ ये हमारी इंडियन टेरिटरी है, गो बैक प्लीज़। यू ब्लडी कावर्ड आर्मी, यू गिव एस टू योर एनिमी, नाउ यू आर डाइंग, यू ब्लडी मोदी एंड ब्लडी योर कावर्ड आर्मी, फाइट इफ़ यू हैव अ करेज, फाइट विद चाइना, फाइट with ISI।